हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैंडमेड केटू कार्डर। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत थालपोश लेकर के आई हूँ। बहुत ही प्यारे इसकी डिज़ाइन है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। बहुत ही खूबसूरत थालपोश बन करके तैयार हुई है और इसमें बहुत ही कम ऊन लगती है। देखिए, इसमें छोटे छोटे हार्ट बन करके आए हैं। नीचे येलो कलर से मैंने हार्ट बनाया है, ऊपर फिर रेड कलर से भी हार्ट बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने तीन कलर की ऊन का यूज़ किया है, ग्रीन, येलो और रेड। आप किसी भी तीन कलर के कॉम्बिनेशन से इसे बना सकती हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर से बीच का पोर्शन बनाएंगे। उसके लिए हम क्रोशिया पे सबसे पहले हम गांठ लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे हम पांच चेन बनाएंगे सर्कल बनाने के लिए। आप चाहे इसे मैजिक रिंग से भी बना सकती हैं। तो पांच चेन बनाने के बाद हम इसको फर्स्ट चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से इसको क्लोज करेंगे। इस तरह से देखिए, दोनों को एक बार में निकाल लेंगे और छोटा सर्कल बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे और इसके अंदर हमें टोटल 19 डबल कोसियाँ निकालनी है। ये तीन चेन वाली हमारी एक डबल कोसियाँ होगी, टोटल 20 हो जाएगी हमारे पास। तो डबल कोसियाँ निकालने के लिए हम लूप लेके इसके अंदर डालेंगे, फिर तीन फंदे होते हैं उनको दो दो करके निकालते हैं। देखिए, हमने कोसे पर लूप लिया, फिर सर्कल के अंदर डालेंगे इस तरह से। फिर देखिए, लूप लेके बाहर आएंगे। अब तीन फंदे हो गए हमारे क्रोशिया पे। अब दो फंदे में एक बार में निकालेंगे, फिर दो फंदे एक बार में, डबल क्रोशिया होती है। तो इस तरह से टोटल हमें इसमें 19 डबल क्रोशिया निकालनी है और तीन चेन को जोड़ लेंगे तो हमारी टोटल 20 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो बनाते जाएंगे और इसको खींच के पास में एडजस्ट करते जाएंगे सभी डबल क्रोशिया को, ताकि इसमें गैप बन सके और डबल क्रोशिया बनाने के लिए। देखिए, हमने इसमें टोटल 19 डबल क्रोशिया बना ली हैं। चेन को मिलाकर में टोटल 20 डबल क्रोशिया हो गई। जब लास्ट में आएंगे, तो हमने तीन चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, तो नीचे गिनेंगे और फर्स्ट चेन में ऊपर की ओर डालेंगे क्रोशिया को। इसको स्लिप स्टिच से यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। देखिए, हमारा छोटा सा ये सर्कल बन करके तैयार हो गया है। अगर आपको बहुत टाइट लग रहा हो तो आप बीच में चेन की संख्या बढ़ा भी सकती हैं। फिर यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे और स्टार्टिंग की ही जो हमारी जो फर्स्ट चेन है उसी में ही हम डाल के एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब जितनी भी हमें चेन दिखाई देगी, सब में हमें दो दो डबल क्रोशिया निकालनी है। तो स्टार्टिंग में दो हो गए, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को और फिर यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक डबल क्रोशिया हो गई, फिर सेम इसी चेन में ही डालेंगे हम फिर क्रोशिया को, फिर एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे, दो डबल क्रोशिया हो गई। इस तरह फिर नेक्स्ट चेन में भी हम फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह सब में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे तो हमारे पास टोटल लास्ट में 40 डबल क्रोशिया हो जाएगी। किस तरह सभी चेनों में दो दो डबल क्रोशिया बनानी है, इसी तरह से हम इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने सभी चेन में दो दो डबल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लिया। इस रो को टोटल हमारे यहाँ पे 40 डबल क्रोशिया हो गई। नीचे फर्स्ट रो में हमारी 20 डबल क्रोशिया थी, सेकेंड रो में 40 डबल क्रोशिया हो गई। अब लास्ट में फिर हम इसको फर्स्ट चेन में डाल करके जो तीन चेन स्टार्टिंग बनी हुई है उसकी फर्स्ट चेन में डालेंगे ऊपर और इसको हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे। फिर हम यहाँ पे तीन चेन लेंगे और स्टार्टिंग की चेन में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद जो भी चेन होगी समय हमें एक एक डबल क्रोशिया बनानी है। अब जितनी भी चेन हमें दिख रही है समय हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पर भी हमारे 40 डबल क्रोशिया आएगी। हर चेन में हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनानी है। फिर नेक्स्ट चेन में भी हम डालेंगे क्रोशिया को, फिर एक डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। फिर उसके नेक्स्ट चेन में भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से जितनी भी चेन है सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारी 40 डबल क्रोशिया बनेगी।
तो देखिए हमने तीसरे राउंड को भी हमने कंप्लीट कर लिया। नीचे 10 थी, नीचे 20 डबल क्रोशिया हमने बनाई थी, उसके बाद दूसरी में हमने दो दो किया सब में, तो 40 डबल क्रोशिया हो गई। और तीसरी रो में सब में एक एक बनाया है, तो यहाँ पर भी 40 डबल क्रोशिया हमारी। लास्ट में इसको भी हम स्लिप स्टिच से क्लोज करेंगे, फर्स्ट चेन में डाल करके क्रोशिया को। तो हमारी तीसरी रो भी कंप्लीट हो गई। हम एक चेन बना करके बीच में आ जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे हमें जो डबल क्रोशिया बनाएंगे उसको हमें पूरा नहीं बुनना है, तो हम यहाँ जो फर्स्ट चेन में नहीं बनाएंगे, दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें केवल दो फंदों को बुनेंगे, दो फंदे हम रोके रहेंगे। फिर तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें भी हम दो फंदे बुनेंगे और बाकी फंदों को हम रोके रहेंगे क्रोशिया पे। हमारे तीन फंदे बन जाएंगे क्रोशिया पे। अब इनको हम एक बार में निकाल लेंगे, तो इस तरह से ये कली की शेप की तरह बन करके आएगा। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट के तीन चेन में हम इसी तरह से बनाएंगे, नेक्स्ट की चेन में डालेंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसमें दो फंदे हम रोक लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बाकी फंदे को रोक लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, फिर डबल क्रोशिया निकालेंगे। अब सभी फंदों को हम एक बार में निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, इसी तरह से हम तीन तीन को तीन चेन में डबल क्रोशिया बुनेंगे, उसको फिर हम एक बार में हम उतारेंगे क्रोशिया पर से। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर हम तीन चेन में इसी तरह से डबल क्रोशिया हाफ बुन कर फिर एक बार में हम बुन लेंगे उसको। तो देखिए इस तरह से बड़ा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यहाँ पे ये आपका थोड़ा सिकुड़ रहा हो, अच्छे से नहीं आ रहा हो, तो यहाँ पे बीच में आप चेन की संख्या बढ़ा लें। जैसे एक एक चेन ली है, आप यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बुनने के बाद फिर दो चेन ले लीजिए या तीन चेन, जिस हिसाब से आपको लेनी है रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से आप ले लीजिए। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में फिर हम यहाँ पे फिर हम तीन डबल क्रोशिया इसी तरह से हम बुनेंगे, फिर सबको हम एक बार में उतार लेंगे। फिर हम एक चेन लेकर के इसको यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमने तीन चेन बनाई है उसको फर्स्ट चेन में डाल के स्लिप स्टिच से इसको क्लोज करेंगे, तो राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट राउंड हम येलो कलर से बुनेंगे, तो हम उनको यहाँ पे हम कट कर लेंगे। किस तरह से हमारा बन करके आएगा। अब हम येलो कलर जोड़ेंगे, तो येलो कलर हम यहाँ बीच वाले गैप में जोड़ेंगे यहाँ पे। येलो कलर हम जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे और इसमें हम चार डबल क्रोशिया निकालेंगे इसी गैप में। चेन को मिला के हमारे यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो जितनी भी गैप आएगी इसमें हमें पांच पांच डबल क्रोशिया निकालनी है आगे। पांच डबल क्रोशिया निकालने के बाद फिर हम दो चेन बनाएंगे और फिर नेक्स्ट गैप में इसको हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। तो एक गैप में हमें पांच डबल क्रोशिया बनानी है और उसके नेक्स्ट गैप में हमको इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ना है। तो दो चेन बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे और फिर हम दो चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट गैप में हम पांच डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। पांच डबल क्रोशिया निकालने के बाद फिर हम दो चेन लेंगे, उसके नेक्स्ट जो गैप आएगी उसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर दो चेन लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट गैप में फिर पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट गैप में यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेंगे। इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा।
ये देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। जो लास्ट में हम आएंगे तो फिर हम दो चेन बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी उसकी फर्स्ट चेन में डाल के हम इसको स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे यहाँ पे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट राउंड में हम फिर तीन चेन बनाएंगे। अब हमें यहाँ क्या करना है, स्टार्टिंग में जो हमारी ये डबल क्रोशिया जो नीचे वाली है फर्स्ट डबल क्रोशिया, तो उसके आगे की चेन में ही हमें बनाना है। तीन चेन बनाने के बाद आगे हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। तो सबसे आगे वाली जो चेन है हमारी फर्स्ट और लास्ट वाली जो हमारी डबल क्रोशिया बनी है उसकी गैप में हमें दो डबल क्रोशिया बनानी थी। स्टार्टिंग और लास्ट में दो दो डबल क्रोशिया बनानी है और बीच के सभी उसमें चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नीचे पांच थी तो ऊपर हमारी दो डबल क्रोशिया बढ़ जाएगी तो सात डबल क्रोशिया हो जाएगी। यहाँ पे तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट चेन है उसी में हम डाल करके एक और डबल क्रोशिया हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पर फर्स्ट में बनाने में आपको परेशानी आ रही है तो जो हमारी फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया का जो गैप दिख रहा है उसी में भी आप एक तीन चेन बनाने के बाद दो डबल क्रोशिया बना लीजिए। फिर बाकी के बीच में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बीच की तीन चेन में एक डबल क्रोशिया ने बना ली है। अब लास्ट वाली जो हमारी ये चेन है इसमें हम डाल करके दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है और लास्ट में दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें बस जब हम राउंड स्टार्ट करेंगे तभी हमें स्टार्टिंग में ही थोड़ी सी परेशानी होगी बनाने में, बाकी आगे हमें नहीं परेशानी होगी दो डबल क्रोशिया बनाने के स्टार्टिंग में। तो देखिए इस तरह से बन करके आएगा, तो इसी तरह से बढ़ता जाएगा हर बार हम राउंड में। स्टार्टिंग में हम डबल क्रोशिया के आगे जो चेन है उसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में इसके बाद हम यहाँ पे दो या तीन चेन बना लेंगे। हमने दो चेन बनाई थी तो ऊपर हम तीन चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे इसको डबल क्रोशिया से जोड़ेंगे। यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ा था उसी के ऊपर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम तीन चेन लेंगे, फिर जो स्टार्टिंग की डबल क्रोशिया है उसके आगे वाली चेन में हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बनाना है, और बीच में जो हमारी चेन है उसमें हम एक एक चेन एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर लास्ट वाली जो चेन रहेगी उसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे दो डबल क्रोशिया हमारी बढ़ेगी, नीचे पांच थी तो ऊपर हमारी सात हो जाएगी। फिर हम तीन चेन लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल डबल क्रोशिया से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर, फिर तीन चेन लेके फिर इधर भी हम इस तरह से स्टार्टिंग में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर बीच में एक एक डबल क्रोशिया, लास्ट में दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को हमें कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से बन करके आएगा। तो अगर आपको थोड़ा भी ये मुड़ा हुआ और टाइट लगे तो यहाँ पे आप चेन की संख्या बढ़ा सकती हैं। जैसे हमने नीचे दो ली थी ऊपर तीन लिया है, तो आप यहाँ पे नीचे चार चेन कर सकती हैं या पांच चेन जैसा आपको लगे। तो देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली है, इस तरह से इसका लुक आएगा। अब हम एक और रो हमें इसी तरह से हम बनाएंगे। यहाँ पे हमने इसको देखिए स्लिप स्टिच से जोड़ दिया तीन चेन बनाने के बाद। अब नेक्स्ट राउंड के लिए फिर हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे और जो फर्स्ट वाला हमारा जो चेन है उसमें हम तीन डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, उसके बीच में हम एक एक निकालेंगे। तो तीन चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाले में दो डबल क्रोशिया निकालना है, तो इसको मिला के टोटल हमारी तीन डबल क्रोशिया हो जाएगी चेन को मिला करके। यहाँ पे हमें दो डबल क्रोशिया और निकालेंगे तो एक डबल क्रोशिया हो गई है। इसके बाद फिर हम इसी में एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर बीच में हम एक एक निकालेंगे और फिर लास्ट में फिर हम दो निकालेंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरह से हम ऊपर ही बनाना है। बस नीचे हमने आप जहाँ पे तीन चेन बना के इसको डबल क्रोशिया से जोड़ा है, अब यहाँ पे हम बीच में जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट चेन बना के फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे।
और उसके ऊपर फिर हम इसी तरह से दो तीन दो डबल क्रोशे स्टार्टिंग में, बीच में एक एक डबल क्रोशे, भी लास्ट में दो डबल क्रोशे बना लेंगे। तो नीचे हमारी पांच थी, ऊपर दूसरी वाली हमारी सात डबल क्रोशे हुई, अब यहाँ पे हमारी नौ डबल क्रोशे हो जाएगी, दो डबल क्रोशे इस रो में भी बढ़ जाएगी। हमने बना लिया है, अब फिर एक डबल क्रोशे और बनाने के बाद लास्ट हमारी जो चेन बचेगी गैप, उसमें हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पे हम चेन लेंगे, तो यहाँ इधर हमारी तीन थी, तीन चेन, तीन तीन छः और एक सात चेन है, तो हम टोटल सात चेन लेकर के तब हम इसमें यहाँ पे हम जोड़ेंगे इसको। तो सात चेन लेने के बाद अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाली जो चेन है हमारी ये डबल क्रोशे की, उसमें हम यहाँ पे दो डबल क्रोशे बना लेंगे। इसी तरह से हम इसको बनाएंगे, फिर हम सात चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में फिर हम स्टार्टिंग में दो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो राउंड इसी तरह से हमें कंप्लीट करना है, बीच में हमें इसको जोड़ना नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे नीचे जोड़ा था डबल क्रोशे से, अब इसके ऊपर हम इसको जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट चेन से हम दूसरे उसमें आ जाएंगे डिजाइन पे। तो देखिए हमने पूरा बना के हमने कंप्लीट कर लिया है इसको, नीचे हमारी पांच थी, ऊपर दो बड़ा, सात नहीं ऊपर दो बड़ा, फिर आठ नौ, नौ डबल क्रोशिया आएगी ऊपर, सब डिजाइन में नौ नौ डबल क्रोशिया होगी। नेक्स्ट राउंड में हमें जो हमने डिजाइन बनाई है उसको हार्ट का शेप देना है, तो हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से बीच में आएंगे, फिर हम एक चेन बनाएंगे यहाँ पे, उसको सिंगल क्रोशिया फिर हम बनाएंगे उसमें, जो हमारी दो डबल क्रोशिया दिख रही है इसके बीच में, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये इसके बाद वाला एक गैप छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट गैप में हम पांच डबल क्रोशिया निकालेंगे इस वाले गैप में इधर, इस तरह से लास्ट में भी हम लास्ट वाला जो दो डबल क्रोशिया बनाई है वो उसके उसके पहले वाला एक एक डबल क्रोशिया छोड़ के फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे वहाँ पे पांच डबल क्रोशिया, और बीच में जो हमारी दो डबल क्रोशिया है उसके बीच में हम जोड़ेंगे इसको सिंगल क्रोशिया से। तो एक गैप ये स्किप करने के बाद इस वाले गैप में हम बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया, इसमें हम निकाल लेंगे। दो तीन चार और फिर पांच, स्टार्टिंग में जो दो 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 डबल क्रोशिया बनाई थी उसमें हमने एक चेन बना के फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया है, उसके बाद फिर एक चेन स्किप करके उसके नेक्स्ट चेन में हमने पांच डबल क्रोशिया निकाली हैं। अब फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके बीच में हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, देखिए ये जोड़ने के बाद अब फिर हम एक डबल क्रोशिया वाला गैप छोड़ेंगे और उसके नेक्स्ट गैप में हम डाल के पांच डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, और फिर लास्ट में जो हमारी दो डबल क्रोशिया बनी है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ये देखिए पांच डबल क्रोशिया निकालने के बाद अब एक गैप स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो हमारी दो डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से हमने जोड़ दिया, तो इस तरह से शेप आ जाएगा ऊपर, ये हार्ट का शेप बन गया इस तरह से हमारा। फिर यहाँ पे नीचे जो हमने जितनी चेन ली थी सात चेन, तो सात चेन लेने के बाद फिर हम यहाँ पे जो दो डबल क्रोशिया हमने स्टार्टिंग बनाई है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन स्किप करेंगे, एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हम यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया निकालेंगे और फिर उसको नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया के ऊपर हम जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से, और फिर से एक चेन स्किप करके उसके नेक्स्ट चेन में हम पांच डबल क्रोशिया निकालेंगे, और फिर एक चेन हम स्किप करेंगे और लास्ट में जो दो डबल क्रोशिया बनी है उसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया बनी हुई है उसी डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इसको जोड़ना है सिंगल क्रोशिया से, देखिए जो बीच वाली आ रही है इसी डबल क्रोशिया के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे,
जो हमने पांच रोल क्रोशिया बनाई है, फिर एक हम स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाली चेन हम पांच रोल क्रोशिया निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से बन करके आएगा, यह हार्ट का शेप इस तरह से हमारा बन जाएगा। और फिर हम सात चेन बना करके फिर नेक्स्ट वाले में हम इसको फिर सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, जो आगे दो डबल क्रोशिया बनी हुई है, उसके बाद फिर एक स्किप करेंगे एक चेन, फिर नेक्स्ट चेन में फिर हम पांच डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर उसके आगे नेक्स्ट में जो डबल क्रोशिया बनी है उसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, और फिर एक स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में फिर हम पांच डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर एक स्किप करके चेन, फिर नेक्स्ट जो दो डबल क्रोशिया लास्ट में बची हुई है उसमें हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इसी तरह से हमने देखिए हमने पूरा राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से इसका लुक आएगा, हार्ट के शेप में बन करके आ गया है लुक इसका, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन लगती है ये। नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए हम यहाँ पे जो हमने पांच डबल क्रोशिया बनाई हुई है इस पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, यानी एक एक चेन हम बना लेंगे सभी चेन के ऊपर, और बीच में हमें आना है जहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ा है, इस जगह पे हमें आना है। सभी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच निकाल लेंगे। बीच वाले में हम आ गए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच से आ जाएंगे बीच में, जो हमने जहाँ जोड़ा था सिंगल क्रोशिया से उस पर। अब यहाँ पे हमें तीन चेन बनाएंगे, अब यहाँ पे हम तीन चेन बनाएंगे। अब हमको यहाँ पर इस जगह पे आना है बीच वाले गैप पे, यहाँ पे हमने सात चेन बनाई थी, तीन तीन चेन हम छोड़ेंगे, बीच वाली चेन में हम इसको लाके जोड़ेंगे। यहाँ पे तीन चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे फिर सात या आठ चेन बना लेंगे, इतनी चेन बनाएंगे कि हम यहाँ बीच तक हम पहुँच जाएं। नाप के हम देख लेंगे, ये तीन चेन बनाने के बाद उसके बाद से हम इस तरह से देख लेंगे नाप करके, यहाँ तक हम आ रहे हैं। अब यहाँ बीच में हम स्टार्टिंग की तीन चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में डाल करके हम यहाँ पे डबल क्रोशिया हम बनाएंगे यहाँ पे दो। तीन चेन छोड़ेंगे, चौथी चेन में हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे चेन बना लेंगे, सात या दस जितनी आप चेन की रिक्वायरमेंट है उतनी चेन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर बीच में जोड़ेंगे, जो ये हार्ट बना है इसके बीच में हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, उसके फिर हम दस चेन बना लेंगे, फिर वहाँ बीच में जो चेन है तो तीन चेन स्किप करके चौथी चेन पे हम इसको उसमें वहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी रो कम्प्लीट करनी है। यहाँ पे यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हार्ट के बीच में हमें जोड़ना है, तो इस तरह से लेंगे, तो हर रो में हम चेन की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे, जो बीच में जो चेन है हर रो में हम दो या तीन चेन बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ये सही आएगा। जैसे नीचे हमने दो चेन ली थी, फिर उसके ऊपर में हमने तीन तीन चेन ली है, और फिर उसके ऊपर हमने सात चेन ली है, अब यहाँ पे हम दस चेन ले रहे हैं बीच में। तब अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कितनी चेन बनाने पर ये सही से आएगा। हमने स्टार्ट किया था हार्ट के बीच में, स्टार्टिंग हमने की थी वहीं तीन चेन बना करके, तो हम फर्स्ट चेन में इसको डाल कर स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, तो रो हमारी इस तरह से कम्प्लीट हो जाएगी। अब हमें ये जो बीच में हमने 10 चेन बनाई हुई है इस पर हमें 8 डबल क्रोशिया बनानी है, तो मैं स्लिप स्टिच से स्टार्टिंग के एक छोड़ेंगे और लास्ट के एक छोड़ेंगे, बीच में हम 8 चेन पे 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो हम स्लिप स्टिच से यहाँ दूसरी चेन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर हम तीन चेन बनाएंगे, और यहाँ से हम 7 चेन में हम 7 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। Thank you.
तो 7 डबल क्वेश्चन यहाँ पे निकालेंगे हम, जो 7 चेन है, तो सभी जो भी हमारे बीच में 10-10 चेन आ रही है सबके बीच में हम 7-7 डबल क्वेश्चन निकालनी है। जहाँ पे हमारी सिंगल क्रोशिया से जो हमने जहाँ पे जोड़ा है तो वहाँ पे उस पर हमें कोई बुनाई नहीं करनी है। जहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है तो वहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी चेन में बीच में चेन में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बना लिए, लास्ट के में एक चेन छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया दिख रही है जो, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे, फिर दूसरी डबल क्रोशिया के ऊपर हम दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो दूसरी डबल क्रोशिया चेन है, या फिर जो ये 2 डबल क्रोशिया दिख रही है इसके बीच में भी आप 2 डबल क्रोशिया निकाल सकती हैं, एक डबल क्रोशिया एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। अब फिर हम एक चेन स्किप करेंगे और बीच की 8 चेन पे हम 8 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। उसके बाद हम दूसरे वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया दिख रही है तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर हमें कोई डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। फिर हम दूसरे उसमें आ जाएंगे एक चेन स्किप करके, और उधर फिर हम 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हमारी 2 डबल क्रोशिया आएगी तो उसके ऊपर फिर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया, और फिर हम उधर हम 8 डबल क्रोशिया निकालेंगे चेन पे। इसी तरह से हम ये रो हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे जहाँ सिंगल क्रोशिया है वहाँ पे हमने कोई बुनाई नहीं की है, जो 2 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया और एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया बनाई है, बीच में हमारी 8 डबल क्रोशिया है। अब यहाँ पे येलो उनको हम कट कर देंगे और गांठ लगाने के बाद हम रेड कलर की उनको जोड़ेंगे। अब जो हमने नीचे जो हार्ट वाली डिजाइन बनाई है यहाँ 5 से हमने स्टार्टिंग की थी, ऐसे में ऊपर बनाना है। तो ऊपर जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया बनाई हुई है यहाँ पे बीच में ये जो दिख रही है, इस जगह पे हम इस गैप में हम बनाएंगे ये 5 डबल क्रोशिया, और इस गैप के ऊपर हम हार्ट वाली डिजाइन बनाना है हमें। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सिंगल ये नीचे है जो हमारी डबल क्रोशिया उसके ऊपर जो हमने ये बनाया है, तो इस वाली गैप में हम यहाँ पे हम कलर को जोड़ेंगे। तो साइड में जो 2 डबल क्रोशिया दिख रही है सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर, उस पर हम जोड़ के 3 चेन बनाएंगे, और फिर दूसरी वाली जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम जोड़ के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी इधर इधर दोनों हमारी 8-8 तो 8वीं वाली जो डबल क्रोशिया उधर की और इधर की फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया पे हम 2 डबल क्रोशिया ऊपर हमने बुन लिया है। अब फिर हम एक चेन लेकर के तुरंत इसके बगल वाली जो डबल क्रोशिया की चेन है उस पर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे। अब एक हम स्किप करेंगे दूसरी वाली पे बनाएंगे, तो ऊपर हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया बुननी है, और एक चेन लेना नीचे एक चेन स्किप करना, नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया बुननी है। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो गई, 1, 2, 3, और फिर हम एक और बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर हम एक चेन लेके और नीचे एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। देखिए 2 डबल क्रोशिया बनी है साइड में, इधर देखिए 1, 2, 3, 4 4 डबल क्रोशिया हो गई, एक एक चेन स्किप की हमने। अब लास्ट वाली नीचे जो 8वीं डबल क्रोशिया है एक चेन लेके हम उस पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर जो उधर की एक डबल क्रोशिया है इस साइड में उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे जो 2 डबल क्रोशिया के 2 डबल क्रोशिया निकली है उसके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, फिर हम एक चेन लेंगे और बिना कोई चेन स्किप किए नेक्स्ट चेन में ही हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे कोई चेन स्किप नहीं करनी है, तुरंत एक चेन लेके हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर लास्ट में भी हमें कोई चेन स्किप नहीं करनी है, तुरंत हमें 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। बीच में हम एक एक चेन स्किप करेंगे, एक चेन लेंगे नीचे एक चेन स्किप करेंगे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो
देखिए एक चेन स्किप को हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया है, फिर एक चेन लिया, फिर नीचे एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। तो बीच में हमारी टोटल चार डबल क्रोशिया आनी चाहिए, दो डबल क्रोशिया साइड में, उसके बाद बीच में एक एक चेन स्किप करके चार डबल क्रोशिया बनेंगी और फिर दो डबल क्रोशिया फिर इधर साइड में आएगी। देखिए दो डबल क्रोशिया होगी, बीच में हमारी एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया हो गई एक एक चेन स्किप करके, और फिर यहाँ ये दो डबल क्रोशिया आ गई। यहाँ पर हम कोई चेन स्किप नहीं करेंगे, सीधे एक चेन लेकर के दो डबल क्रोशिया के ऊपर हम दो डबल क्रोशिया बना लेंगे। इधर की फर्स्ट वाली होगी डबल क्रोशिया, इधर की लास्ट वाली आठवीं डबल क्रोशिया पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हम पूरी राउंड में हमें बनाना है। बीच में हमारी चार डबल क्रोशिया ही आनी चाहिए, तो ताकि हम ऊपर हम तीन रो में केवल बुनना है, तो चार के बाद फिर तीन डबल क्रोशिया होगी, तीन के बाद दो, दो के बाद एक, तीसरी रो में हमारी एक डबल क्रोशिया हो जाएगी, उसके बाद हम ऊपर हार्ट वाली डिजाइन बना लेंगे। तो ये चार डबल क्रोशिया यहाँ पे आई है, रो हमने कंप्लीट कर ली है। देखिए इस तरह से, देखिए सबके बीच में दो डबल क्रोशिया के बाद बीच में चार डबल क्रोशिया हमारी एक एक चेन स्किप करके, देखिए सब में इसी तरह से बना है। अब यहाँ जो ये दो डबल क्रोशिया हमने बनाया है, दो डबल क्रोशिया के ऊपर जो दो डबल क्रोशिया हमने बनाया है, उस पर हम बनाएंगे डिजाइन हार्ट वाली शेप की। यहाँ पर इस तरह पहले आप पांच डबल क्रोशिया बुनेंगे, उसके साइड साइड में दो दो डबल क्रोशिया बुनिए, बीच में एक एक डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच से हमने क्लोज कर दिया इस रो को। अब यहाँ पे हम तीन चेन बना लेंगे और इसी बीच में ही हम डाल के यहाँ पे चार डबल क्रोशिया निकालेंगे और चेन को मिला के हमारी पांच डबल क्रोशिया हो जाएगी। इसके बाद की जो भी हम गैप दो डबल क्रोशिया गैप के बीच में बनाएंगे, वहाँ पे हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। स्टार्टिंग में तीन डबल क्रोशिया बनाई है, फिर हमने ये चार डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे ये चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर हम एक चेन लेंगे और ये जो बीच में हमारी ये चार डबल क्रोशिया है, इसके बीच बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी तीन डबल क्रोशिया ऊपर बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हमने बनाया है ये एक दो तीन, इसके गैप में हमारी यहाँ पे एक इसमें बनाएंगे, एक इसमें बनाएंगे, इसमें तीन डबल क्रोशिया बनेगी। तो एक एक चेन लेके हमें बनाना है, हम एक चेन लेंगे और पहले गैप में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर दूसरी वाली डाल में डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारी टोटल तीन डबल क्रोशिया बनेगी, नीचे चार डबल क्रोशिया थी तो ऊपर यहाँ पे बीच में तीन डबल क्रोशिया आएगी। देखिए एक दो तीन, और फिर एक चेन लेकर के हम इधर जो दो डबल क्रोशिया बनी हुई दो डबल क्रोशिया के ऊपर उसके बीच वाले गैप में यहाँ पे हम फिर हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस वाले गैप में जो दो डबल क्रोशिया नीचे है ना, उसके ऊपर हमने दो डबल क्रोशिया बनाई है रेड की रेड कलर की, उसके गैप में हमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इसी तरह से फिर यहाँ पे जो गैप दिख रही है उसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो तीन डबल क्रोशिया फिर बन जाएगी। इसी तरह से हमें पूरी रो में इसी तरह से बनेगा, जो बीच में दो डबल क्रोशिया उसमें हमें पांच डबल क्रोशिया बनानी है और जो चार डबल क्रोशिया के ऊपर हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनकर के आएगा, देखिए इधर पांच पांच डबल क्रोशिया होगी, बीच में तीन डबल क्रोशिया आएगी, एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन नहीं फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन फिर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए रेड कलर से दूसरी रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। ये पांच पांच डबल क्रोशिया है, फिर उसके बीच में उसके तीन डबल क्रोशिया है। हम जो तीसरी रो बनाएंगे रेड कलर से, तब यहाँ पर जैसे हमने नीचे बनाया था जो पांच डबल क्रोशिया थी, तो उसके आगे वाली जो डबल क्रोशिया है फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया, वहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में हम तीन चेन बना के और फर्स्ट वाले में ही दो डबल क्रोशिया निकालेंगे और उसके लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें हम वहाँ पर भी हम दो डबल क्रोशिया निकालेंगे, बीच में एक एक डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो इस रो में हमारी दो डबल क्रोशिया बढ़ेंगी, तो टोटल नीचे पाँच है तो ऊपर सात डबल क्रोशिया हो जाएगी। देखिए यहाँ स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ के क्लोज किया सेकेंड रो को,
और फिर हम यहाँ पे बनाएंगे तीन चेन और इसी वाली गैप में हम यहाँ पे दो डबल क्रोशिया और बुन लेंगे। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में हमें जो फर्स्ट डबल क्रोशिया की जो चेन है आगे उस पर हमें बनाना है, तो वहाँ पे बनाने में तो परेशानी हो रही, तो हम जो फर्स्ट गैप है उसी में ही हम दो डबल क्रोशिया निकालेंगे, चेन को मिला के तीन डबल क्रोशिया हो जाएगी। और बीच में जो है उसमें हम तीन डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर लास्ट में दो डबल क्रोशिया और निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे दो डबल क्रोशिया, एक, फिर एक और निकालेंगे नेक्स्ट चेन में, ये दो डबल क्रोशिया हो गए, फिर लास्ट वाली में फिर हम दो निकालेंगे। यहाँ पर भी एक और निकालने के बाद फिर लास्ट वाला जो गैप है उसमें हम दो डबल क्रोशिया निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट वाला गैप हमने दो डबल क्रोशिया हमने निकाला है, तो टोटल यहाँ पे सात डबल क्रोशिया हो गए। स्टार्टिंग में हमने तीन बनाया था और बीच में दो, फिर इधर तीन, तो तीन तीन छः, बीच में दो, तो सात हो जाएंगे, सात डबल क्रोशिया हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे एक चेन लेंगे और जो गैप है उसके गैप में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट गैप में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे। तो यहाँ ऊपर हमारी बीच में दो डबल क्रोशिया बनेगी, नीचे चार की, ऊपर तीन हुई थी, अब तीन की दो हो जाएगी यहाँ पर इस रो में, तीसरी वाली रो में बीच में दो डबल क्रोशिया बनेगी। यहाँ गैप में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन लेने के बाद। बनाना बहुत आसान है, जब आप बनाना स्टार्ट करेंगी तो बहुत आसानी से बनता चला जाएगा, बहुत ही खूबसूरत थाल पोस बन के तैयार होता है और हार्ट जो बनते हैं छोटे छोटे बहुत क्यूट लगते हैं देखने में। देखिए यहाँ पर भी हमने इस गैप में हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ स्टार्टिंग जो फर्स्ट वाली में डबल क्रोशिया है उसके आगे जो चेन है उसमें हमको यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनानी है, उसके बाकी की बीच की दो तीन चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लास्ट में फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल सात डबल क्रोशिया हो जाएगी। देखिए यहाँ जो ये डबल क्रोशिया है इसके आगे जो चेन है यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आगे चेन पे हमें बना लेना है दो डबल क्रोशिया, उसके बीच में जो तीन चेन पड़ेगी उसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लास्ट में दो डबल क्रोशिया, फिर हम एक चेन लेके फिर दो गैप होगा उसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने इतना हमने बना लिया है यहाँ पे, ये इस तरह से आएगा, नीचे चार डबल क्रोशिया, दूसरी रो में तीन डबल क्रोशिया हुई है, तीसरी रो में दो डबल क्रोशिया होगी। इसके बाद हम एक और बुनेंगे तो उसमें भी साइड में दो दो बढ़ाने के बाद बीच में हमारी एक डबल क्रोशिया बनेगी। देखिए हमने पूरा बना के हमने कंप्लीट कर लिया इस तरह से। तो यहाँ पे हमने रेड कलर की तीन रो बुनी है, लास्ट में हमारी एक डबल क्रोशिया हमारी बची है। ये देखिए इस तरह से ये आया है। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज करेंगे। अब फिर यहाँ पे जैसे हमने नीचे हार्ट का शेप दिया था, जो आगे की स्टार्टिंग में हमने दो डबल क्रोशिया बनाई है एक चेन में, उसमें हम वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ करके नेक्स्ट चेन में हम पांच डबल क्रोशिया निकालेंगे और उसकी नेक्स्ट चेन के बीच जो डबल क्रोशिया है उस पर हम इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे, फिर उधर की एक स्किप करेंगे और उसके साइड में हम नेक्स्ट चेन में पाँच डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर एक चेन स्किप करके जो लास्ट में दो डबल क्रोशिया है उस पर हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको फर्स्ट वाली जो हमारे दो डबल क्रोशिया उस पर हमने सिंगल क्रोशिया निकाल लिए, एक चेन लिया, फिर उसमें एक सिंगल क्रोशिया निकाली, और फिर यहाँ पे एक चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पे नीचे बनाया हार्ट का शेप दिया ऊपर, जस्ट उसी तरह से हमें ऊपर भी यहाँ पे बनाना है। तो आप अगर इसको बड़ा करना चाहते हैं हार्ट के शेप को तो आप उसी हिसाब से आप और रो बुन लीजिए। तो नीचे जो हमने यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया बनी थी उसी के हिसाब से बीच में वहाँ पे आपको डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तब आपका हार्ट का शेप फिर ऊपर, जैसे आठ हमने बुना था आप दस कर लीजिए, तो दस का जब आप दस करेंगी तो ऊपर वहाँ पे आपकी, जैसे हमने हमारी चार आई थी तो वहाँ पे आपकी पाँच रो आएगी,
तो पाँच होगा, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, एक एक रो आपके और बढ़ जाएगी। इसी तरह से आप नीचे से डबल क्रोशिया की संख्या बढ़ाएंगे स्टार्टिंग में ही, जो येलो कलर से हमने बुना है वहीं पे हम डबल क्रोशिया संख्या बढ़ा देंगे, तो हमारी यह हार्ट का शेप बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमने तीन रो बुनी है रेड कलर की, उसके चौथी रो में हम हार्ट का शेप दे रहे हैं। देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया हमने जोड़ लिया नेक्स्ट में, अब फिर एक चेन हम स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट चेन में हम फिर पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में दो 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 डबल क्रोशिया है वहां पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से हम जोड़ देंगे। देखिए हमने बना लिया है, अब एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम चेन में हम डाल के इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा हार्ट का शेप ऊपर, ये देखिए ऐसे शेप आ गया हार्ट का। अब यहाँ पे हम इसको फिर सिंगल क्रोशिया से एक चेन लेंगे और यहाँ जो बीच में जो डबल क्रोशिया है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हम इसको जोड़ देंगे। फिर एक चेन लेके यहाँ पे फिर जो दो डबल क्रोशिया आगे हमने बुनी है, तो फर्स्ट चेन में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे और फिर एक चेन स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट चेन में हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसकी जो नेक्स्ट चेन की जो डबल क्रोशिया है उस पर हम ले आके सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे और फिर उसकी फिर जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है नेक्स्ट चेन के आगे उसमें हम डाल करके पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें ये रो हमें पूरी कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे हार्ट का शेप बन जाएगा। तो देखिए हमने ये पूरी रो हमने कंप्लीट कर ली है, देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुई है थालपोस, ये छोटे छोटे हार्ट इसमें बन करके आए हैं। देखिए के नीचे ये येलो कलर से हार्ट बना है, उसके ऊपर ये रेड कलर से हार्ट बन करके आया है छोटे छोटे। तब किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन से आप इस थालपोस को तैयार कर सकती हैं। जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद हम इसको जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी सिंगल क्रोशिया बना के, उसी गैप में हम इसको डाल करके यहाँ पे जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से और फिर उनको हम कट कर लेंगे इस तरह से। ऊन हम कट कर लेंगे, देखिए हमारी थालपोस बन करके तैयार हो गई है, ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही है। आप इसको चाहे तो मोतियों से भी इसको डेकोरेट कर सकती हैं। तो देखिए हमने ये थालपोस में यहाँ पे बीच में मोती लगा के इसको हमने डेकोरेट कर लिया है, जहाँ से हमने पांच डबल क्रोशिया बनाई थी वहाँ पे हमने ये सभी हार्ट में नीचे हमने यहाँ पे मोती लगा के इसको यहाँ पे सिल दिया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको मोती से सजा के आप इसे डेकोरेट कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।